अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल आपका? टेस्ट ठीक हो गया आप सबके? तो दोबारा स्टडीज़ की तरफ आते हैं। सोशल स्टडीज़ में जो यूनिट नंबर 3 था, मैप्स एंड ग्लोब्स, तो उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, जो कि पेज नंबर 24 पर है। तो ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये डिफाइन द फॉलोइंग लिख कर, तो ये ऑप्शन उन्होंने ऊपर दे दिए हैं, ये नीचे आने थे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आज आपका होमवर्क है, ये मैं आपको करवाती हूँ। ये देखिए, राइट शॉर्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इनके अपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्लोब, यानी ग्लोब क्या है? तो इसका आंसर है, द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज शोन इन द मैप, कि मैप में क्या दिखाया जाता है? इसका आंसर है, अ मैप शोज हाउ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड साइज। किताब वाला कह रहा है कि एक नक्शा हमें ये बताता है कि चीज़ें आपस में फासले, डायरेक्शंस और साइज के कैसे जुड़ी होती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले है आपका कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स, द कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई लैंड ऑन अर्थ। सेकेंड है ओशंस, द ओशंस आर वास्ट एरियाज कवर्ड बाय सी वाटर, जो समंदर हैं वो बहुत बड़ा इलाका होता है, या रकबा होता है, या एरिया होता है जो समुद्री पानी से ढका हुआ होता है। आगे है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, दीज आर इमेजनरी लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर एंड बाइसेक्टिंग इट रिस्पेक्टिवली। ये जो लाइन्स होती हैं, ये खत्ते इस्तवा के बराबर होती हैं और इसी तरह इसको तकसीम करती हैं, अलग अलग भी करती हैं, यानी उसको जोड़ती भी हैं और अलग अलग भी करती हैं, मिलाती भी हैं और अलग अलग भी, ये जो लाइन्स होती हैं। आगे है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस इन मैप रीडिंग एंड लोकेशन। कहते हैं कि मैप, डायरेक्शंस का क्या काम होता है मैप रीडिंग में। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप रीडिंग बिकॉज दे गाइड अस अबाउट द लोकेशंस और समथिंग इन द मैप। कहते हैं कि जो लाइंस होती हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हमें बताती हैं कि जो कोई भी जगह है वो किस जगह पर है, नक्शे में कहाँ है। हम किसी जगह को लोकेट करना चाहें, ढूंढना चाहें, तो जो लाइंस है ये हमें बताती हैं कि नक्शे में कहाँ है, जब मैप में कहाँ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स, यानी ग्लोब और मैप का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर है, द ग्लोब्स एंड मैप्स आर शॉर्टकट्स टू जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस। ये जो मैप्स और ग्लोब्स होते हैं, ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं जोग्राफियाई मालूमात देने के लिए किसी भी जगह के। तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी है, ये आपने लिख भी लेना है और आधा आधा करके याद कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने इसको इसलिए नहीं करवाया, तो कुछ छोटे कुछ बड़े एक दफ़ा करवा दिया है ताकि आपके पास सारा हो जाएगा, सहूलत से याद कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।